नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। सीसीटीवी वीडियो है दोस्तों, और ये विकास नगर की दोस्तों वीडियो है, और गाड़ी का नंबर है DL1RQ3045। दोस्तों यह ऑटो विकास नगर से चोरी हुआ है 17/10/2023 को सुबह 4:17 पे, सुबह का टाइम है। तो दोस्तों सवाल ये बनता है, अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा किस प्रकार से ये इस ऑटो को लेके गए हैं। दो बंदे आए थे एक मोटरसाइकिल पर बैठकर और इस गाड़ी को लेकर चले गए, ठीक है। तो सीसीटीवी जो वीडियो है ये मेरे पास है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों सवाल ये बनता है, क्या यह ऑटो जो सरकार जीपीएस लगवाने के लिए इतना प्रेशर डाल रही है, क्या उस जीपीएस के माध्यम से क्या यह ऑटो मिल जाएगा? अगर यह उस जीपीएस के माध्यम से मिल जाता है तो जीपीएस लगाना बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो इस जीपीएस को बंद कर दिया जाए। तो चलिए मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूं और सारी जानकारी आपको बताता हूं कि कहां से ये वीडियो आई है और किसका ये ऑटो था, कहां से हुआ है, क्या सारी जानकारी आपको देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये गली में दो ऑटो खड़े हुए आपको नज़र आ रहे हैं, एक पीछे है एक आगे है, गली के कोने पर ये खड़ा है, और पीछे जो है थोड़ी सी पुलिया टाइप की है, ऊंचाई है, यानी कि ऊंचाई है। तो इसने पहली बार इसको पीछे करने की कोशिश की है, लेकिन पीछे ऊंचा होने के कारण पीछे नहीं हुआ, फिर ये हट गया। दूसरा बंदा आप देख सकते हैं वो मोटरसाइकिल पर खड़ा हुआ है, और ये इधर उधर देखने के बाद कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, फिर से गाड़ी के पास गया आप देख सकते हैं, और इसने शायद हैंडल का लॉक पहले से ही तोड़ दिया है, वो अभी इस वीडियो में दिखाई नहीं दिया, इसने हैंडल लॉक तोड़ा होगा। और ये देखिए फिर से कोशिश कर रहा है ये पीछे करने की, पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन दोस्तों पीछे थोड़ी सी ऊंचाई होने के कारण ये पीछे जाने में अभी थोड़ा दिक्कत कर रहा है, लेकिन ये भी हार मानने वाला नहीं है। अभी देखना आप ये क्या क्या जुगाड़ लगाएगा। इसने दोबारा कोशिश करी और ये दोबारा से नाकामयाब हो गया। फिर देखिए ये गली में दूसरी तरफ को जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, और चारों तरफ ये देख रहा है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। सुबह का 4:17 पे इसने ये शुरू किया था, और 4:19 हो गए हैं, यानी कि दोस्तों 2.5 हुए हैं। और ये देखिए तीसरी बार ये कोशिश कर रहा है, गाड़ी को इसने न्यूट्रल किया, और ये देखिए शायद इस बार ये पीछे करने में कामयाब हो सकता है, पूरी ताकत लगा रहा है ये, और देखिए ये देखिए इसने गाड़ी पीछे कर ली। तो दोस्तों इस प्रकार से ये ऑटो गायब कर दिया इसने, अभी देखिए लेके चला जाएगा, ठीक है। तो अगर सरकार जीपीएस पे इतना जोर देती है कि जीपीएस लगाओ जीपीएस लगाओ, अगर उसी जीपीएस से ये ऑटो मिल जाए, अभी तक तो नहीं मिला, 17 तारीख का ये केस है और आज आप 10 दिन हो गए लगभग। देखिए वो लेके चला गया, आगे वो बाइक वाला बंदा चला गया, पीछे से वो गाड़ी ले कर चला गया। तो दोस्तों जब ये ऑटो 10 दिन तक नहीं मिला तो इस जीपीएस का क्या फ़ायदा, आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों मैं सभी ऑटो चालकों से कहना चाहता हूँ, ये गाड़ी आपको कहीं भी नज़र आए जिसका नंबर है DL1RQ3045, दोस्तों कहीं पे भी नज़र आए, इसे जहाँ पे भी आप देखें इसकी जानकारी ज़रूर दें। नंबर मैंने वीडियो के उसमें दे रखे हैं, उसी नंबर पर आप कॉल करके इसकी जानकारी दे सकते हैं। किसी भी ड्राइवर भाई का ये ऑटो है, जिसका भी है, आपकी मदद से अगर वो मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि किसी का जब ऑटो चोरी हो जाता है तो उसका घर परिवार चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश करें, अपना ही ऑटो समझकर इसको ढूंढने की कोशिश करें, जहाँ पे भी आपको लावारिस कोई गाड़ी दिखाई दे तो तुरंत उसकी पुलिस को सूचना दें या फिर उसके मालिक को सूचना ज़रूर दें दोस्तों। धन्यवाद।